आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कोरोना वायरस की वबा बढ़ती ही जा रही है और पूरी दुनिया में इससे मुतासिरों की तादाद बढ़कर 56,22,939 हो गई है और अब तक 3,48,715 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासिर ममालिक में सबसे ऊंचे मकाम पर खड़े अमेरिका के बाद अब ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, जबकि रूस तीसरे मकाम पर है। अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासिरों की तादाद बढ़कर 17 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि इसके इन्फेक्शन से मरने वालों की तादाद बढ़कर 99,000 से ज़्यादा हो चुकी है। अमरीका में मजमूई तौर से मुतासिरों की तादाद 17,06,243 हो गई है, जबकि 99,883 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इस दरमियान ब्राज़ील में भी कोरोना ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली है और अब तक यहां इन्फेक्शन के सबसे ज़्यादा मामलों में दुनिया का दूसरा मुल्क है। ब्राज़ील में कोरोना से मुतासिरों की तादाद 3,76,679 हो गई और मुल्क में मरने वालों की तादाद बढ़कर 23,522 हो गई है। रूस में भी कोविड-19 की वबा जारी है और ये उसके इन्फेक्शन से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में तीसरे मकाम पर है। यहाँ अब तक 3,62,342 लोग इसकी जद में आ चुके हैं और 3,807 अफराद की मौत हो चुकी है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की संगीनी में इजाफा होता जा रहा है और अब ये दुनिया भर में इन्फेक्शन के सबसे ज़्यादा केसेस वाले ममालिक में 10वें नंबर पर है। गुज़िश्ता 24 घंटों में इन्फेक्शन के केसेस में अगरचे जुज़वी कमी आई है, जबकि इसी मुद्दत में 2,270 लोग ठीक भी हुए हैं, जिससे इससे बीमारी से निजात पाने वालों की तादाद बढ़कर 60,000 से ज़ायद हो गई। इस दरमियान महाराष्ट्र में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 52,000 से ज़ायद हो गई। मरकजी सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत की जानिब से मंगल को जारी किए गए ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6,535 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासरीन की मजमू तादाद 1,45,380 तक पहुँच गई। फ़िलहाल मुल्क में 80,722 एक्टिव केसेस हैं। इससे एक दिन पहले 6,977 और इतवार और हफ्ते को बिलतरतीब 6,776 और 6,654 नए केसेस सामने आए थे। मुल्क में कोविड इन्फेक्शन से गुज़िश्ता 24 घंटों में 146 अफराद की मौत होने से हलाकतों की तादाद 4,167 हो गई। इसी मुद्दत में इस बीमारी से लोग शिफायाब हुए हैं, जिससे इस बीमारी से 2,770 लोग शिफायाब हुए हैं, जिससे सेहतमंद होने वालों की मजमूई तादाद 60,491 हो गई है। मुल्क में ख्वाह कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन सबसे मुस्बित बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा भी हो रहा है और दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में हमारे मुल्क में अमवात की शरह बहुत कम है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना मुतासरीन के 6,535 नए मामले सामने आए और इन मामलों के साथ ही मजमूई तादाद 1,35,380 पर पहुंच गई। इसी मुद्दत में इस बीमारी से 2,770 लोग आज़ाद हुए, जिससे सेहतयाब लोगों की तादाद 60,490 हो गई। इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 80,000 से ज़ायद है और इसकी जो दुगना होने की शरह है वो 13.2% है। वजारत सेहत के तर्जुमान लव अग्रवाल ने मंगल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क में कोरोना के मरीजों के ठीक होने की शरह मार्च में 7.1% थी और दूसरे लॉकडाउन के वक्त ये 11.42% हो गई, जबकि तीसरे लॉकडाउन के वक्त ये 26.69% और चौथे लॉकडाउन के बाद अब ये 41.61% हो गई। दुनिया के दीगर ममालिक के औसत अमवात की शरह 6.45% के मुकाबले में हिंदुस्तान में अमवात की शरह बहुत कम है और पहले ये 3.3% थी, जो अब मज़ीद कम होकर 2.87% हो गई। एनालिसिस डेथ पर भी करें तो जैसे कि हम कई बार इस बारे में बात कर चुके हैं कि कोई भी डेथ रिपोर्ट होना देश के लिए एक बहुत दुख का विषय है, बट अगर हम देखें तो पाते हैं कि जैसे वर्ल्ड में ओवरऑल 6.4% फेटेलिटी रेट ऑब्जर्व किया गया है तो इंडिया हैज वन ऑफ द लोएस्ट फेटेलिटी रेट अमंग द कंट्रीज जहां पर की हायर केसेस रिपोर्ट हुए हैं, विच इज एज लो एज 2.87%। हम इसको अगर दूसरे देशों से कंपैरिजन में देखें तो पाते हैं कि जैसे कुछ देशों में 19.9%, 16.3% या 14.3% इस हाई रेट पर अगर केस फेटेलिटी ऑब्जर्व की गई है तो उसके मुकाबले
इंडिया में एज लो एज 2.87% फेटालिटी हमने नोट की है। इसी एनालिसिस को अगर हम देखें कि अगर हम पॉपुलेशन के बेसिस पर उसको नॉर्मलाइज करें तो पाते हैं कि जो हमारे यहां पर अगर वर्ल्ड में 4.5 केसेस डेथ जो है पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुई है आज तक, तो इंडिया में वह करीब 0.3 डेथ पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुई है, जबकि उसके कंपैरिजन में और देशों से अगर हम कंपेयर करें तो पाते हैं कि एज हाई एज 81 डेथ पर लाख पॉपुलेशन भी कुछ देशों में रिपोर्ट हुई है। यहां यह पॉइंट मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहूंगा कि अगर हमारे यहाँ लो डेथ पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुई है, लो केस फेटालिटी है, तो उसका मुख्य कारण लॉकडाउन में ली गई हमारे जो प्रोसेसेस थे इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ एंश्योरिंग कि हमारे लॉकडाउन के समय में सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमोट किया जाए, साथ ही कंटेनमेंट मेजर स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट मेजर्स के थ्रू हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़े, और इन कारणों से ही हम अपने देश में यह फेटालिटी रेट या डेथ पर लाख पॉपुलेशन को रिलेटिवली दुनिया के मुकाबले काफी कम पाते हैं। कांग्रेस के सबक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोरोना को काबू में करने के लिए मुल्क से 21 रोज मांगे थे, लेकिन अब 2 माह होने जा रहे हैं लेकिन वबा कम होने के बजाय और बढ़ती ही जा रही है, जिससे साबित होता है कि हिंदुस्तान में लॉकडाउन नाकाम रहा। राहुल गांधी ने मंगल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी ने 21 दिन में कोरोना को रोकने का दावा किया था लेकिन नाकाम रहे, फिर इसमें 3 मरतबा इजाफा किया गया, अब लॉकडाउन को 60 रोज होने वाले हैं लेकिन हालात बेहतर होने के बजाय बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। हुकूमत के पास कोरोना से लड़ने के लिए कोई मजबूत हिकमत अमली नहीं है, इसीलिए इसे काबू में करने में हम नाकाम हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए दुनिया के तजुर्बात को देखें तो हिंदुस्तान ही वाहिद मुल्क है जहाँ उसकी तेजी से फैलने के दरमियान लॉकडाउन खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का हदफ हासिल नहीं हुआ, इस ताल्लुक से पहली हिकमत अमली फेल हुई है, लेकिन हुकूमत को बताना चाहिए कि वो अब लॉकडाउन किस तरह से हटाएगी और ताजिर व आम लोगों के मफादात का ख्याल किस तरह रखा जाएगा। नरेंद्र मोदी को तस्लीम करना चाहिए कि कोरोना को रोकने के लिए उन्होंने जो इकदाम किया था इसमें वो नाकाम हुए हैं और वो अब क्या कर रहे हैं इसके बारे में भी उन्हें बताना चाहिए। वो फ्रंट फुट पर यानी आगे आकर इस जंग को लड़ रहे थे लेकिन अब वो बैक फुट पर आ गए हैं, उन्हें आगे आकर बताना चाहिए कि कोरोना से लड़ने की उनकी आइंदा हिकमत अमली क्या है। कहेंगे फिर हम सवाल लेंगे। आदरणीय राहुल जी नमस्कार, रणदीप जी, वेणुगोपाल जी और प्रेस के हमारे सब मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत में छोटी सी स्टेटमेंट बोलना चाहता हूँ, अंग्रेजी में और हिंदी में बोलूँगा, उसके बाद आप अपने सवाल पूछिए। फ्रेंड्स, 2 months ago, the Prime Minister said that we were going to fight a 21-day war against COVID. It was his expectation that we would defeat the COVID virus in 21 days. Now we are on 60 days and we are the only country in the world where the virus is exponentially rising, and we are removing a lockdown. So it is pretty clear that the aim and the purpose of our lockdown has failed. What India is facing now in front of us is the result of a failed lockdown. Now, what we in the Congress party and a lot of people want to understand, and we do not want to do it harshly, aggressively, but we want to understand what the government's view is going forward. We want to understand what is their strategy. It is pretty clear that 4 stages of lockdown have not produced the result that the Prime Minister expected. Prime Minister and his entire advisory staff, including his top medical people, मरकजी वजीर इत्तला तो नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने कोरोना और लॉकडाउन जैसे मामलों पर कांग्रेस पर दोहरे मियार की सियासत करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मुल्क में जब लॉकडाउन नाफिज हुआ था तब उसे दिक्कत थी और अब लॉकडाउन में रियायत दी जा रही है तो भी उसे परेशानी है, जो उसके दोहरे मियार की अक्कासी करता है।
जावड़ेकर ने कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी के बयान पर रद्द अमल का इजहार करते हुए मंगल को कहा कि जिस वक्त मुल्क में लॉकडाउन शुरू हुआ था उस वक्त कोरोना के मामलों के दुगने होने की शरह 3 दिन थी और इस वक्त कोरोना के दुगने होने की शरह 13 रोज है, इसमें काफ़ी बेहतरी आई है। जावड़ेकर के मुताबिक दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक ने हिंदुस्तान के वक्त रहते किए गए इस फैसले की तारीफ की है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुल्क के अलग अलग हिस्सों में माइग्रेंट वर्कर्स को आ रही परेशानियों पर सुमोटो कॉग्निजेंस लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में रियासती और मरकजी हुकूमतों से गलतियां हुई हैं, अब मरकज और रियासती हुकूमतें मिलकर माइग्रेंट वर्कर्स के सफ़र, उनके ठहरने के मकाम और गिजा का इंतज़ाम करने के लिए कदम उठाएँ। 3 जजों की बेंच ने मरकज, रियासत और यूनियन टेरेटरीज को नोटिस जारी कर 28 मई तक जवाब मांगा है। हिंदुस्तान की कई रियासतों में शदीद गर्मी की लहर से लोग परेशान हैं और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मजीद 5 दिन मुश्किल भरे गुजरेंगे। खबरों के मुताबिक ओडिशा और मगरबी बंगाल में कुछ दिन कबल आए गुर्दाबी तूफान अम्फान ने मानसून की रफ्तार को रोक दिया है, जिसकी वजह से बारिश के आसार आइंदा कुछ दिनों तक नजर नहीं आ रहे हैं। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक 17 मई के बाद से ही मानसून में कोई तब्दीली नहीं देखी गई, गोया कि केरला पहुंचने में ही मानसून को मजीद कुछ वक्त दरकार है। ऐसे माहौल में हिंदुस्तान की दीगर रियासतों मसलन राजस्थान, दिल्ली, यूपी वगैरह में आसमान से आग बरसती रहेगी। काबिले जिक्र है कि दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गुज़िश्ता कुछ दिन से गर्मी की शिद्दत अपने उरूज पर है। बेशतर मकामात पर दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किए गए। राजस्थान में पीर के रोज़ दिन का ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैक्सिमम टेम्परेचर 47.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जबकि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में दर्जे हरारत 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कौमी राजधानी दिल्ली में भी ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत पीर के रोज़ 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन आइंदा 5 दिनों में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, जो कि आवाम के लिए परेशान कुन है। वाज़ेह रहे कि हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात IMD ने इतवार को शुमाली हिंदुस्तान के लिहाज से 25-26 मई के लिए रेड अलर्ट जारी किया, जब लू का कहर उरूज पर रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 6 सालों में मानसून की हालत को देखें तो मई के आखिरी हफ्ते तक मानसून श्रीलंका से लेकर म्यांमार तक छा जाता था, हालांकि इस बार ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। शुमाली हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में 29 और 30 मई को धूल भरी आंधी चलने और गरज के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है, जिससे लू के खहर से राहत मिल सकती है। शहर हैदराबाद में गर्मी की लहर में इजाफा दर्ज किया गया। रियासत के शुमाली और मशरकी इलाकों के 19 अजला में शदीद तरीन गर्मी का सिलसिला मजीद कुछ दिन जारी रहने का इंतबाह दिया गया है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 4 दिनों के दौरान मौसम इंतहाई गर्म रहेगा, जबकि रियासत के बाज़ इलाकों में गरज और चमक के साथ हल्की बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया। हैदराबाद में गुज़िश्ता 4 दिनों से दर्जे हरारत तकरीबन 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। दिन के साथ साथ रात के दर्जे हरारत में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। रियासत के अजला आदिलाबाद, कामारेडी, पेद्दापल्ली और निज़ामबाद में भी दर्जे हरारत में इजाफा देखा गया। इन अजला में दर्जे हरारत 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि रियासत के अजला नलगुंडा, खम्मम, वरंगल रूरल, वरंगल अर्बन, भद्राद्री, कोत्तागुडम, मुलुग, मंचरियाल, जगतियाल और दीगर अजला में बाज़ मकाम पर गर्मी की शदीद लहर के जारी रहने का इम्कान है। गरीब आवाम जो टीन शेड में रहते हैं, उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता सालों के मुकाबले इस साल की गर्मी की लहर में काफ़ी इजाफा हुआ है। शदीद गर्मी के सबब दोपहर में सड़कों पर ट्रैफिक में कमी हो गई है। गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लोग कई तदाबीर अख्तियार कर रहे हैं और ठंडी मशरूबात के साथ साथ गन्ने के शरबत, नारियल का पानी का इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। डॉक्टर्स ने शहरियों को चौकसी का मशवरा दिया। गर्मी के सबब लोग घरों तक ही महदूद हो गए हैं और ज़रूरी काम होने पर ही घर से लोग निकल रहे हैं। शदीद गर्मी के सबब इस हाल और दस्त की भी शिकायत मिल रही है। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस के 71 नए मामले दर्ज हुए हैं और एक शख्स की इस मोजी वायरस से मौत हुई है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज दर्ज हुए 71 केसेस में 31 केसेस ग्रेटर हैदराबाद के हैं, जबकि 7 केसेस रंगारेडी और 6 केसेस मेडचल डिस्ट्रिक्ट के हैं। सूर्यापेट, विकाराबाद, नलगुंडा और नारायणपेट से 1-1 मामला दर्ज हुआ है। 12 केसेस माइग्रेंट वर्कर्स के और 4 मामले फॉरेन इवैक्वीज के हैं। आज 120 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज भी किया गया। रियासत में अब तक कोरोना वायरस के 1991 मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं और उनमें से 1284 मरीज ठीक भी हुए हैं, यानी फिलहाल 650 अफराद का इलाज चल रहा है।
अब तक तेलंगाना में कोरोना वायरस की वजह से 57 अफराद की मौत हुई है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि मुर्दों को भी की भी कोरोना तिब्बी जांच की जाए। अदालत ने रियासत में कोरोना वायरस की जांच के मसले पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और 11 मार्च से अब तक रियासत में की गई तिब्बी जांच की तफसीलात पेश करने की हुकूमत को हिदायत दी। कोरोना तिब्बी जाँच की सिलसिले में दाखिल करदा एक अर्जी की अदालत ने समाप्त की। अदालत ने मुर्दों की कोरोना जांच ना करने के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से जारी करदा अहकाम को कलअदम करार दिया और हुकूमत को हिदायत दी कि अस्पताल में मरने वाले अफराद की कोरोना तिब्बी जांच करवाई जाए। अदालत ने कहा कि अगरचे कि इस वबा की अलामत ना भी पाई जाएं तब भी ये सबसे ज़्यादा ख़तरे वाली बात हो सकती है, इसकी जाँच हुकूमत की जानिब से क्यों नहीं करवाई जा रही। अदालत ने सवाल किया कि दीगर रियासतों के बरखिलाफ़ तेलंगाना में कम तादाद में तिब्बी जाँच कोरोना वायरस के सिलसिले में क्यों की गई। अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि कोरोना वायरस के ज़िमन में रियासती हुकूमत की जानिब से मरकज को भेजे गए मकतूब को भी पेश किया जाए। अदालत ने पूछा कि दीगर रियासतों से तेलंगाना आने वाले कितने मजदूरों की तिब्बी जांच की गई है, सलामती यानी प्रोटेक्शन पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स कितने अस्पतालों को फराहम की गई हैं, इसकी भी तफसीलात फराहम की जाएँ। अदालत ने 4 जून तक जामع रिपोर्ट पेश करने की रियासती हुकूमत को हिदायत दी है। एक कोरोना वायरस पेशेंट ने शिकायत की है कि गांधी हॉस्पिटल में उनका ठीक से इलाज नहीं किया जा रहा है। चंचलगुड़ा के रहने वाले 30 बरस के मोहम्मद जबीउल्ला मेहदी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने अपना एक वीडियो भेजा कि उन्हें सुबह से किसी डॉक्टर ने नहीं देखा और उनकी हालत बिगड़ रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं गांधी हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, हाँ कोरोना पॉजिटिव आया, कल रात में 3:30 बजे आया, हाँ कोई डॉक्टर देखने नहीं आए, हाँ सांस लेने नहीं आ रहा मेरे, हाँ सांस लेने नहीं आ रहा, कोई भी देखने वाले नहीं, देख कोई तो भी मदद करो, हाँ ऐसा रहा तो क्या पता कि जाके बोले तो स्टाफ को जाओ वापस बेड पे लेटो, बोल रहे क्या करना समझ में नहीं आ रहा। ऐसा इंतज़ाम है यहाँ का, पेशेंटों को देख रहे नहीं, हाँ मेरे को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही, देखो शेयर करो मदद करो, डॉक्टर कोई भी नहीं है, सांस लेने नहीं आ रहा, देखो हाँ अल्लाह हाफिज, बात करने भी नहीं आ रहा, अल्लाह हाफिज। वजीर सेहत ईटाला राजेंद्र ने कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए मरकजी हुकूमत से 1000 वेंटिलेटर्स फराहम करने की दरख्वास्त की गई थी लेकिन आज तक भी मरकज की जानिब से कोई रद्द अमल नहीं आया। वजीर सेहत ने आज बीआर के भवन में अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन और ग्रेस फाउंडेशन के जेर अहतमाम माइक्रोन कंपनी की जानिब से अतीय में दिए गए 100 वेंटिलेटर्स को हासिल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए ईटाला राजेंद्र ने कहा कि जो लोग कोरोना वायरस से मुतासिर होते हैं उनके फेफड़ों पर ज़्यादा असर पड़ता है जिसके नतीजे में उन्हें सांस की परेशानी पैदा होती है, ऐसे मरीजों को हंगामी सूरत हाल में वेंटिलेटरों की मदद की ज़रूरत होती है, यही वजह है कि हम ज़्यादा वेंटिलेटर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम DRDO का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारी दरख्वास्त पर वेंटिलेटरों को देने के लिए आगे आए हैं। हमने पहले ही मुख्तलिफ अस्पतालों में पड़े मामूली तौर पर ख़राब होने वाले वेंटिलेटर्स की मरम्मत करते हुए उसको इस्तेमाल में लाया है। हमने नए वेंटिलेटर्स को का भी ऑर्डर दिया है। तहम मरकजी हुकूमत और मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन से पहले दिन से ही 1000 वेंटिलेटर्स को देने की दरख्वास्त की थी लेकिन अभी तक इसका कोई जवाब नहीं मिला। वजीर सेहत ने कहा कि माइक्रोन कंपनी ने जो आज 100 वेंटिलेटर्स पेश किए उनमें 80 वेंटिलेटरों को गांधी हॉस्पिटल, 10 को उस्मानिया और 10 को चेस्ट हॉस्पिटल के लिए मख्तस किया जाएगा। ग्रेस फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर चिन्ना बाबू ने कहा कि उनकी फाउंडेशन की तरफ से मजीद 100 वेंटिलेटर भी मुहैया करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर्स के अलावा आज 5000 PPE किट्स और 5000 N95 मास्क भी मुहैया करवाए गए हैं। इस प्रोग्राम में माइक्रोन के डायरेक्टर राधिका, मैनेजर मुरली, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन स्टेट प्रोग्राम के मैनेजर विनय के अलावा दीगर अफराद मौजूद थे।
वजीर सेहत इटला राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना में 1,00,000 कोविड मरीजों के इलाज करने की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। गांधी हॉस्पिटल में एक आला सतही इजलास में वजीर ने कहा कि कोविड के मरीजों का तेजी के साथ इलाज करने रियासती हुकूमत मुकम्मल तैयार है। उन्होंने कहा कि 1,00,000 मरीजों के इलाज के लिए तैयारी की गई है, लेकिन सिर्फ गांधी हॉस्पिटल में कोविड के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने गांधी हॉस्पिटल में मरीजों को तमाम सहूलियात फराहम करने का दावा किया और उन्होंने कहा कि नाजुक हालत के मरीज के बारे में तफसीलात हासिल करते हुए हर एक को बचाने की कोशिश की जाए। आईसीयू पर खसूसी तवज्जो दें, 30 मरीज आईसीयू में हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि जो मरीज नाजुक हालत से गुजर रहे हैं उनके अफराद खानदान को वक्तन फौकतन इतला दें, उनको मियारी गिज़ा फराहम की जाए और हॉस्पिटल की सफाई का बराबर ख्याल रखा जाए। वजीर ने बताया कि गांधी हॉस्पिटल को 80 वॉलेंटियर मुहैया करवाए गए हैं ताकि मरीजों का बेहतर इलाज किया जा सके। मुल्क भर में घरेलू परवाजों के आगाज के बाद सरकर्दा मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ने 21 दीगर एयरपोर्ट्स के साथ शहर हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपनी खिदमात का अहिया कर दिया है। कंपनी ने मंगल को अपने बयान में कहा कि उसूल की जाने वाली शरहों में कोई तब्दीली नहीं होगी। सलामती के प्रोटोकॉल में इजाफा करते हुए ओला एयरपोर्ट पर मखसूस तरबियत याफ्ता स्टाफ को ही रखेगा ताकि कार को जरासीम से पाक बनाया जाए। ड्राइवर पार्टनर के लिए दर्ज हरारत की जाँच, हर पिकअप से पहले कार ऑडिट की जाएगी ताकि मुसाफरीन कार में सवार होने से पहले ज़हनी सुकून हासिल कर सकें। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु एयरपोर्ट्स पर भी नुमाइंदे मौजूद होंगे। ओला की जानिब से मामूल के मुताबिक कारों को जरासीम से पाक बनाया जाएगा और ड्राइवर की सेहत पर नज़र रखी जाएगी। ये काम महफूज सफ़र के 10 इकदाम के हिस्से के तौर पर किया जाएगा। पानी की सप्लाई के सिलसिले में एक नन्ही लड़की की जानिब से की गई शिकायत पर तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क केटी रामाराव ने रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने फौरी तौर पर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड को हिदायत दी कि वह सिकंदराबाद के देवी नगर और आर के पुरम के मुतसिल इलाकों के पानी के मसाइल हल करें, क्योंकि इन इलाकों में पानी की नामुनासिब सप्लाई की जा रही है। देवी नगर से ताल्लुक़ रखने वाली एक नन्ही लड़की गायत्री ने वज़ीर मौसूफ़ को ट्विटर के जरिए भेजे गए वीडियो में पानी की नामुनासिब सप्लाई की शिकायत की थी। नन्ही लड़की ने अपनी इस वीडियो में शिकायत करते हुए कहा कि इसके मुतल्लिक़ा इलाके में पानी की मुनासिब सप्लाई नहीं है। उसने अपनी इस मुख्तसर वीडियो में कहा कि पानी की नामुनासिब सप्लाई के नतीजे में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस पर वज़ीर मौसूफ ने फौरी तौर पर रद्दअमल जाहिर करते हुए वाटर बोर्ड को हिदायत दी कि वह मकामी जनरल मैनेजर को इस मसले की हल्की जिम्मेदारी दे। उन्होंने अपने दफ्तर के स्टाफ को भी हिदायत दी है कि वो इस मामले पर नज़र रखें। మాకు వాటర్ వచ్చి 5 డేస్ అవుతుంది. గిన్నెలు తోముకోవడానికి, బట్టలు ఉతకడానికి, స్నానం చేయడానికి చాలా ప్రాబ్లంగా ఉంది. మీరు ఈ ప్రాబ్లంని సీరియస్గా తీసుకుని మాకు రెగ్యులర్గా వాటర్ వచ్చేలాగా చూడమని కేసీఆర్ తాతగారికి చెప్పండి ప్లీజ్. वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने बीजेपी कायदीन को इंतबाह दिया है कि तेलंगाना में मजहब की सियासत चलने वाली नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद से इस बात की वजाहत करने का मुतालबा किया कि सनतकारों पर किए गए उनके रिमार्क्स आया बीजेपी की पॉलिसी है या उनकी शख्सी राय। श्रीनिवास गौड़ ने इल्ज़ाम लगाया कि अरविंद सनतकारों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। टीआरएस कायद व साबिक वजीर जय कृष्णा ने सनतें कायम करते हुए हज़ारों नौजवानों को रोज़गार फराहम किया, ऐसे कायद पर तनकीद करना अरविंद को जेब नहीं देता। वजीर मौसूफ ने कहा कि रियासत में अनकरीब स्पोर्ट्स पॉलिसी मुतारिफ की जाने वाली है। इस खसूस में हुकूमत ने काबिनी कमेटी तश्कील दी है। तेलंगाना पीसीसी के सदर व रुकन पार्लियामेंट एन उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत के सभी कांग्रेस कायदीन और कारकुनों को हिदायत दी है कि वो सभी 28 मई को सुबह 11 बजे से 2 बजे के दरमियान पार्टी की कौमी सतह पर मुनक्किद होने वाली ऑनलाइन मुहिम में शामिल हों ताकि माइग्रेंट वर्कर्स, छोटे ताजिरों और दीगर मुतासरा तबकों के मसाइल को मरकजी और रियासती हुकूमत तक पहुँचाया जाए। इस सिलसिले में आज उन्होंने सीनियर कायदीन के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की जिसका फेसबुक पर लाइव टेलीकास्ट भी किया गया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मरकजी हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि इनकम टैक्स के दायरे से बाहर सभी शहरियों के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये की रकम जमा की जाए। उन्होंने कहा
उन्होंने सभी कांग्रेस कायदीन कारकुनों और हमदर्दों से अपील की है कि वो 28 मई को 11 से 2 बजे के दरमियान फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव वीडियो चलाएं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मुल्क भर में 50 लाख कारकुन एक साथ ऑनलाइन आएं ताकि इन मसाइल पर हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाई जा सके। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के सभी 17 लोकसभा हल्कों में से हर एक में 10,000 से ज्यादा कारकुन ऑनलाइन मुहिम में हिस्सा लेंगे। Congress party has decided to organize a massive online campaign across the country in all states on Thursday 28 May 2020 from 11 a.m. to 2 p.m. Through the campaign, we will raise the issues of the people in distress and appeal to the union government to listen and consider the demands made by the Congress party to address the pressing concerns of them. We will demand the government of India to immediately make the direct cash transfer of 10,000 rupees to all families outside the income tax bracket. Please note that participation in this campaign is mandatory. ఈ క్యాంపెయిన్ లో పార్టిసిపేట్ కావడం మ్యాండేటరీ, ఇది కంపల్సరీ, ఎవరికి మినహాయింపు లేదు. साबिक पीसीसी सदर पुन्नला लक्ष्मया ने टीआरएस हुकूमत के तरक्की के दावों को मजा का खैस करार दिया और टीआरएस हुकूमत को खुले मबाहिस का चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि रियासत में पिछले 6 सालों में कोई तरक्की नहीं हुई है जबकि हालात बस से बदतर हुए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत के कई जियोस वेबसाइट पर नहीं डाले जा रहे हैं और ना ही कोई जजमेंट ऑनलाइन है। 2014 से अब तक कितनी आईटी कंपनीज हैदराबाद आईं और कितनी नौकरियां फराहम की गईं उसकी भी जानकारी टीआरएस हुकूमत नहीं दे रही है, जबकि आईटी सेक्टर्स में अवार्ड्स मिलने के दावे किए जा रहे हैं। ऐसा ऐसा करा, ओ बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। कोई बेटा बाप से अच्छा कर रहे हैं बोले तो खुश होते ना सब, बाप भी खुश होते बेटा भी खुश होते। मगर इसमें एक सोचना है, क्या किया बोल के ये आईटी में बहुत जोर से 1,20,000 करोड़ का टर्नओवर आया बोल के बोल रहे हैं। 2013-14 में 58,000 करोड़ था, वही 2003-04 में 5,000 करोड़ था, 92-93 में 4 करोड़ का यू नो एक्सपोर्ट्स था, टर्नओवर था कोई भी वट एवर। मैं ये पूछना चाहता हूँ ये 6 साल में आप क्या किया बोल के 58,000 करोड़ से 1,20,000 करोड़। पानी पूरी खाने के बाद 40 बच्चे बीमार पड़ गए, ये वाकया तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कल शाम आदिलाबाद टाउन के सुंदरिया नगर और खुर्शीद नगर में गोलगप्पे फरोख्त करने वाला आया। बाज बच्चे और बड़े अफराद ने इसके पास से गोलगप्पे खरीदे और उनको खाया, तहम कुछ देर बाद ही उनमें से बेशतर की सेहत ख़राब हो गई। इन मुतासरीन ने पेट में दर्द, उल्टियों और इसहाल की शिकायत की, जिसके बाद उनको फौरी तौर पर रिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुतासरीन में ज़्यादातर छोटे बच्चे शामिल हैं। इस वाकया की इत्तला मिलते ही डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर अस्पताल पहुँचे, जिन्होंने इन मुतासरीन की आयादत की और डॉक्टर से उनके इलाज के सिलसिले में तफसीलात पूछी। उन्होंने छोटे बच्चों के वालिदैन से ख्वाहिश की है कि वो बाहर के खाने की अशिया बच्चों को ना खिलाएं। हैदराबाद के एक डिग्री कॉलेज के सालेवल के तालिब इल्म विशाल का कहना है कि कॉलेज से रोजाना एसएमएस मौसूल हो रहा है जिसमें याद दहानी करवाई जा रही है कि इम्तिहानी फीस अदा की जाए। ताहम मैं माली सूरत हाल को देखते हुए मेरे वालदेन से फीस की अदायगी की ख्वाहिश नहीं कर सकता। विशाल हैदराबाद की मशहूर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मलका कॉलेज का तालिब इल्म है, जिसको 10 जून तक 1,500 रुपये इम्तिहानी फीस यानी एग्जाम फीस अदा करनी है। विशाल के वालिद हिमायत नगर इलाके में एक छोटी सी दुकान चलाते हैं जो लॉकडाउन की वजह से गुज़िश्ता 2 माह से बंद है। उनका कहना है कि इस दुकान के बंद होने की वजह से आमदनी नहीं हुई और उसका खानदान घर का किराया भी अदा करने के मौकफ में नहीं है। ऐसी ही शिकायत कई और तुलबा ने की है, जिनको लगातार मैसेजेस मिल रहे हैं
कि वो अपनी फीस अदा करें। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के तलबा ने तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन से दरख्वास्त की है कि वो इम्तिहानी फीस को माफ़ करे, ताहम काउंसिल ने ताहाल इस पर कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया। इंजीनियरिंग और दीगर फनी कोर्सेज के बरखिलाफ नॉन टेक्निकल डिग्री कोर्सेज का इंतखाब ऐसे तुलबा की जानिब से किया जाता है जिनकी आमदनी कम होती है। ऐसे तुलबा के लिए एग्ज़ाम फीस की अदायगी भी उन पर ज़ायद बोझ होता है, बिलखसूस कोरोना जैसी मुश्किल घड़ी में। नायब सदर ग्रेटर हैदराबाद NSUI MA मुईद ने यह बात बताई। बेशतर तुलबा फीस की अदायगी के मौकफ में नहीं है क्योंकि उनके खानदानों की आमदनी छोटे पैमाने की तजारत नामुनासिब मुलाजमतों पर मुनासिर है। मशहूर तेलुगु अखबार ईनाडू के सीनियर फोटो जर्नलिस्ट राजा मौली हैदराबाद के एक अस्पताल में चल बसे। उनकी उम्र 57 बरस की थी। अपने ताज़ियती पयाम में वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने राजमौली की मौत पर उनको खिराज पेश किया। उन्होंने गमजदा अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का भी इजहार किया। राजा मौली की मौत पर तमाम फोटो जर्नलिस्ट और दीगर सहाफ़ियों ने भी उनको खिराज पेश किया। आंध्र प्रदेश की असल अपोजिशन तेलुगुदेशम पार्टी अपना सालाना प्रोग्राम महानाडू जूम ऐप के जरिए पेश करेगी। इस खसूस में साबिक वजीर दाखिला और तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर नीमा कायला चिन्ना राजप्पा ने मीडिया को बताया कि प्रोग्राम 27 और 28 मई को मुनक़िद किया जाएगा। इसको जूम ऐप के जरिए पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।